टर्न आउट टू बी बात की, तब क्या आपके स्कूल में कभी स्पोर्ट्स खेलने के लिए कभी मार्क्स दिया करते थे एक्स्ट्रा? नहीं, स्पोर्ट्स का पीरियड होता था लेकिन आज तक स्पोर्ट्स के मार्क्स कभी नहीं मिले हमें। क्या आपको लगता है अगर मार्क्स मिलते तो ज्यादा लोग प्रेरित होते? जरूर प्रेरित होते, और हो सकता है कि उस जो ये होता है कि स्पोर्ट्स करने से हमें मार्क्स मिलता, उससे हो सकता है कि और कई सारे जिम्नास्ट या और कई सारे स्पोर्ट्समैन निकल के आते। आपने तो शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र में की, तभी क्या कभी किसी ने आपको बोला कि नहीं स्पोर्ट्स खेलने से आपको क्या मिलेगा, पढ़ाई करो? हाँ, शुरू में लोग बोलते थे कि मतलब मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, आप जिमनास्टिक ही क्यों करते, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर एक स्टेज आई जब आप इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे लेने लगे, उसके बाद फिर किसी ने बोला कि आपने क्रिकेट क्यों किया, फिर लोग प्रेफर करते हैं ठीक है आपने एकदम राइट स्पोर्ट्स चुना है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कभी स्कूल में, आपके स्कूल में कभी स्पोर्ट्स खेलने के लिए किसी को प्रेरणा देने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे कभी? नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स कभी भी नहीं मिले हम लोगों को, लेकिन हमारा अलग से मतलब सेंटर है, शाहबाद में हॉकी सेंटर है, जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे वहीं पे वो सेंटर है, तो थोड़ा स्पोर्ट जरूर हो जाता था, स्पोर्ट्स खेलने मतलब हमें अपना स्पोर्ट्स का टाइम पूरा मिलता था, थोड़ा हमारा जो स्टाफ है टीचिंग स्टाफ है वो कोऑपरेट करते थे और हमें मतलब जल्दी थोड़ा भेजना या किसी को अलग से प्रैक्टिस चाहिए तो हमारे कोच उनसे बात करके थोड़ा एक पीरियड का मतलब उनसे छुट्टी ले लेते। थोड़ा एडजस्टमेंट करना। जॉइनिंग मी नाउ मेंबर्स ऑफ द इंडियन हॉकी टीम एंड आल्सो वेरी यंग जिमनास्ट, आपने जब एडजस्टमेंट कर देते थे और क्या आपको लगता है कि आज आप सब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल तरह से खेल रही हैं, तो अगर स्कूल में ही ज्यादा प्रेरणा मिलती तो आप जैसे और ज्यादा महिलाएं सामने आती? हाँ, अभी भी ऐसा हो सकता है, अगर अभी जो छोटे छोटे शहर्स हैं उनमें जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित किया जाए तो वो भी और ऊपर आ सकते हैं। और आप क्या सोचती है कि आपने कभी मुश्किलों का सामना किया है, जैसे लोगों ने बोला है कि अरे हॉकी खेलने से क्या होगा, आप या तो जैसे चकदे में तो काफी अच्छे डायलॉग्स भी है इसके बारे में, तो कभी आपको पर्सनली ऐसा कुछ अनुभव करना पड़ा है? हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ कुछ भी पता नहीं होता है कि हॉकी क्या है या कोई भी दूसरा गेम क्या होता है, कुछ भी पता नहीं रहता है। ऐसे हम स्कूल में खेलते थे, जो ऐसे पता था कि हॉकी ऐसा गेम है ऐसे खेलते थे जो स्कूल में खेलते थे, तो उसी से फिर आगे देखने को मिला तो इसी से हम फिर ऊपर आए धीरे धीरे, तो काफ़ी मुश्किलें हुई हॉकी खेलने के लिए भी, हमारे पास स्टिक नहीं था, स्टिक कैसा है वे भी नहीं पता था, तो ऐसा हर जगह हर स्कूल में अगर इसके बारे बताया जाए, स्पोर्ट्स के बारे बताया जाए तो नेचुरल है कि स्पोर्ट्स ऊपर आएगा। Alright, we have some clowning around going on as well, but the real message coming from all of these players who've made it very big for themselves, coming from very different backgrounds, what they've managed to do effectively is to break away from the shackles of the tradition and break away from the myth that it's not cool to play sports. In fact, all of them have made their career in sports, and what they have effectively managed to prove is that sports also can become a career, and many of them made their beginning very, very young in their schools, and that's where the real beginning has to happen. In New Delhi, Hethi Amre, Fenny TV.